हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, शाहरुख खान की जीरो मूवी 21 दिसंबर को रिलीज हो चुकी है। लेकिन क्या आपको पता है, जीरो के साथ ही साथ टक्कर देने के लिए साउथ इंडियन की कनाडा, जो कि हिंदी में आई है KGF फिल्म, जिसका किरदार यश को मिला है। जी हाँ दोस्तों, KGF मूवी यानी कलर गोल्ड फिल्म्स है, उसी डेट को रिलीज हुई है। दोस्तों जैसा कि मैं बता दूं, साउथ की कनाडा हीरो यश, जो कि सुपरस्टार है कनाडा के, अब वो हिंदी फिल्मों में आ गए हैं। दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आजकल लोग बॉलीवुड की मूवी से ज़्यादा साउथ इंडियन की मूवी देखनी पसंद करती हैं, जो कि हिंदी वर्जन में आता है। लोग उसे ही ज़्यादा देख रहे हैं, उसे ही सबसे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि साउथ फिल्मों में कॉमेडी, एक्शन और लव स्टोरी भी बहुत अच्छी होती है, जो कि लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है। दोस्तों अब इन दोनों की पब्लिक रिव्यू और कितनी कमाई की है अब तक, तो जीरो मूवी फर्स्ट डे 28 सिनेमाघरों में लगे हैं। जी हाँ दोस्तों, हिंदी सिनेमाघरों में लगभग 35 से 40 करोड़ रुपए कमाए हैं। बाकी के तेलुगु तमिल सिनेमा घरों में 10 से 15 करोड़ रुपए कमाए हैं। टोटल 50 से 60 करोड़ रुपए कमाए हैं 2 दिन में, यानी कलेक्शन किए हैं टोटल 50 से 60। यहीं पे कनाडा हिंदी मूवी KGF, जो कि 30 सिनेमाघरों में रिलीज हुई है, तेलुगु तमिल कन्नाडा और मलयालम एवं हिंदी में भी 4 लैंग्वेज में रिलीज हुई है। और इस मूवी की पब्लिक रिव्यू है, फर्स्ट डे और सेकेंड डे की कमाई, फर्स्ट डे की कमाई है 50 करोड़ और सेकेंड डे की कमाई टोटल करीब 100 करोड़ की टारगेट है, जो कि पूरा हो जाएगा। और इस मूवी की पब्लिक रिएक्शन जीरो मूवी से कहीं ज्यादा अच्छी मिल रही है। दोस्तों जिस तरह से रॉबर्ट 2.0 मूवी एक हफ्ते में 500 करोड़ रुपए कमा लिए थे, उसी तरह से ये मूवी भी एक हफ्ते में बहुत जल्द 500 करोड़ रुपए का टारगेट पूरा कर लेंगे। तो दोस्तों दोनों मूवी की थोड़ी सी स्टोरी आपको मैं बता देता हूँ, ताकि आपको अच्छा लगे तो आप इन दोनों मूवी में से किसी भी मूवी को आप देख सकते हो, या तो फिर आने तक का इंतजार कर सकते हो। जीरो मूवी में जैसा कि हम आपको बता दें, शाहरुख खान का बोना का रोल रहता है, जो कि कुछ लोग उसे इंसल्ट कर देते हैं, कि बोलते हैं कि तू बोना है, तू कुछ नहीं कर सकता, और वो जिद बांध लेता है। और जैसा कि आपको बता दूं कि एक बबीता कुमारी, जो कि सुपरस्टार रहती है बॉलीवुड का, वो इनका जबरा फैन रहता है, और वो जिद बांध लेता है कि मुझे उससे मिलना है और मैं कुछ करके दिखाऊंगा। लेकिन वो इतना छोटा रहता है कि वो कुछ करेगा अभी तक क्या करेगा, उसकी पब्लिक सपोर्ट या कोई भी उसकी मदद उतना नहीं कर पाता, नहीं उसकी उतनी पहुंच रहती है। लेकिन फिर भी वो आखिर में वहां तक पहुंच ही जाता है। फिर आखिर में साइंटिस्ट, जो कि अनुष्का शर्मा की रोल जो कि अनुष्का शर्मा रोल कर रही है, जो साइंटिस्ट तो रहती है लेकिन साथ ही साथ विकलांग भी रहती है, तो शाहरुख खान की मदद वही करते हैं उसे मिलाने में। फिल्म अच्छा है, आप जाके देख सकते हो, या तो आने तक का इंतजार कर सकते हो। अब दूसरी मूवी है, जो कि KGF यानी कोलर गोल्ड फिल्म। दोस्तों बेंगलोर में कोलर नाम का एक जगह है, जहां सोने की बिजनेस होती है। पूरे इंडिया में सोना यहीं से सेलिंग होता है, हीरो उसी में सोने की बिजनेस में लग जाता है। दोस्तों जैसा कि मैं बता दूं, इस फिल्म में हीरो पहले विलेन रहता है और पूरी दुनिया पर राज करना चाहता है। बचपन से वो अनाथ रहता है और इस तरह से वो उस बिजनेस में घुस जाता है। उसके बाद वो और बचपन से वो चाहता है कि मैं पूरी दुनिया पे राज करूं। इसी तरह होते होते वो गैंगवार की बिजनेस शुरू कर देता है, और एक्शन भी खूब होता है, और वो बहुत बड़ा गैंगवार शुरू कर देता है। इसी तरह से एक्शन भी खूब होता है। फिर जैसे ही हीरोइन की एंट्री होती है, उसके दिल में फिर लव स्टोरी शुरू हो जाती है। आखिर में वो सारे गलत काम छोड़ देते हैं, फिर वो सही बंदा बन जाता है। और बहुत ही अच्छी मूवी है दोस्तों। अगर आप इस मूवी को पूरा देखना चाहते हो, तो प्लीज आप हॉल में जाकर देख सकते हो, या तो फिर आप यूट्यूब पे आने का इंतजार कर सकते हो। इसकी थोड़ी बहुत स्टोरी मैंने शॉर्टकट में बता दी है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इसी तरह की नई नई फिल्मों की मैं अपडेट देता रहूँ। उसके बाद घंटी का छाप आएगा, उसको दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।